राजगढ़ जिले का आखिरकार ये सिस्टम कैसा? पीड़ित किसान की कोई नहीं सुन रहा। देश भर में राजस्व का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रकरण राजस्व विभाग की मनमानी से किसान परेशान होते नजर आएंगे और सबसे अधिक किसानों में आवेदन और रिपोर्ट कार्ड कैश नजर आएंगे और इसका मुख्य कारण है राजस्व विभाग। अगर समय रहते हुए राजस्व विभाग से अधिकारी और कर्मचारी किसानों की समस्या का समाधान तुरंत ही कर देते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती और ना विवाद बढ़ने और ना ही कोई घटना घटती। आज फिर बोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रोसला जागीर में देखने को मिला है, जहां किसान वर्षों से अपनी भूमि का सीमांकन करवाने राजस्व विभाग से मांग कर रहा है। देखिए पूरी खबर मंडावर से होगम प्रजापति की रिपोर्ट। रोसला राजगढ़ किस लिए आए आप? रजिस्ट्री की जमीन में इंगल गाड़ दी इसलिए। तो ये रजिस्ट्री लेके फर है तो क्या मामला पूरा बताया? एक सीमांकन हुआ 2019 में, इसके बाद हम कई बार सीमांकन करवाने की कोशिश की एसडीएम साहब को भी कर ये सीमांकन नहीं, मतलब ये बता रहे हैं कि आपने जमीन किससे खरीदी है? जवान सिंह पिता किशन सिंह, ये इसके कागज रखे हैं, ये कागज रखे हैं। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो सामने वाले ने सीमांकन करवाया 2019 में, इसके बाद सामने वाला कौन? मोहन भाई पति कमल सिंह। अच्छा, नहीं जैसे आप सीमांकन के लिए दर दर भटक रहे, आप मांग रहे हैं सीमांकन की तो आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, सीमांकन चाहिए नहीं हमें, सीमांकन के लिए हमें एसडीएम साहब पास गए, उन्होंने आदेश किया, उसका भी जो पटवारी और आरआई और पटवारी द्वारा कब से सीमांकन के लिए कब से आवेदन दे रखा है आपने? 2019 से दे रखा है, आज तक सीमांकन नहीं हुआ, नहीं हुआ। 5-7 बार हमने सीमांकन के आदेश करवा कर दिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सीमांकन नहीं हुआ, उसके बीच में क्या क्या हुआ? सीमांकन के लिए ज्यादा हमने प्रयास किया तो सीमांकन करने के लिए आए तो 363 जो मूल 363/1 है, जो मूल नंबर है उसका रिकॉर्ड गलत बताया गया, जबकि 363/1/3 मोहन भाई के नाम है। जब मूल नंबर का रिकॉर्ड खराब है तो उसी के ही टुकड़े हैं, फिर उसका कैसे सीमांकन हुआ? अच्छा, और हमारा सीमांकन क्यों नहीं किया गया? कौन कौन आए थे मौके पे? मौके पे आरआई कब आए थे? हल्का पटवारी ज्योति पांडे कब आए थे? ये 5/2008 को इंगल गड़वाए गए हमारे। किसके गड़वाए? मोहन भाई के। अच्छा, मतलब जैसा आप सीमांकन के लिए तो लड़ाई लड़ी रहे लेकिन आपका सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन नहीं किया गया, दूसरे का कब्जा कर दिया, उसका दूसरों का मोहन भाई का कब्जा करवा दिया गया। इस विषय को लेकर कहाँ शिकायत किया आपने? शिकायत कलेक्टर महोदय। और इससे पहले कहाँ केस चल रहा है आपका ये मामले का? कमिश्नरी भोपाल, सिविल कोर्ट सारंगपुर में हमारी अपील चल रही है, कमिश्नर से स्टे है, इसके बाद भी इंगल गाड़े गए 5 तारीख स्टे होने के बाद। तो उनने किस आदेश से कब्जा कर लिया आपकी भूमि पर? उन्होंने सिविल के आदेश का भाईना लेकर तहसीलदार का अपना पावर बताकर कब्जा कर लिया गया। आपके पास कोई नोटिस आया था इस विषय को लेकर? कोई नोटिस नहीं आया, एक व्हाट्सएप किया गया था। अच्छा, किसने किया था व्हाट्सएप आपके पास? व्हाट्सएप चौकीदार ने किया गया था। अच्छा, और उस और 11 बजे 5 तारीख को 11 बजे व्हाट्सएप हुआ था। हम जमानत के लिए गए थे, इसी चक्कर में हमारी पहले FIR की गई, उसी दिन हमारी 5 तारीख 5/8/2023 को जमानत के लिए हम सारंगपुर गए थे। हमारी अनुपस्थिति में इंगल गाड़े गए थे, सोयाबीन खड़ी हुई थी। और इससे पूर्व भी आपके साथ कोई मारपीट हुई थी? इसके पहले 11 जून 2023 को ग्राम के ठाकुर जवान सिंह के नाती रात की 9:30 बजे हमारे खेत को हांकने आए, इसके बाद उन्होंने मारपीट की जिससे पिताजी को चोट लगी और हड्डी फ्रैक्चर हुआ। मेरे स्वयं के एक सीधे हाथ के पैर में फ्रैक्चर है, इसकी भी हमने FIR करवाई थी। उसमें भी जो थानेदार है उसने हमारे मुताबिक उनके मन मर्जी से ही FIR दर्ज की गई, बार बार आग्रह करने के बाद भी केवल मात्र FIR दर्ज की गई। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारा हमें न्याय दिलवाया जाए, जो हमारी रजिस्ट्री की जमीन है। कितने बीघा है? कितने बीघा है? 5 बीघा जो भी रजिस्ट्री में 5 बीघा 5.25 बीघा जमीन है वो दिलवाई जाए। और उसमें कितने बीघा में कब्जा किया? उन्होंने 5 बीघे में से 1.5 बीघा का कब्जा हटा लिया, जिससे हमारी 3 बीघा
15-20% शेष जमीन बचती है। अच्छा, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। कौन कौन लोग भटक रहे हैं इस पे आपकी मांग के लिए? पूरा परिवार परेशान है। जंगल मेरा और हमें कोई भी हानि हुई है तो राजस्व अधिकारी और ये प्रशासन ही जिम्मेदार रहेंगे।